All right, so मेरा question है, describe your star-struck moment with a cricketer and where you had it. I must tell you this story. 2009 में नई बस मतलब 2 साल हुए थे जर्नलिस्ट बस बनी थी और इंडिया श्रीलंका का मैच और फिरोजशाह कोटला का मैदान और 2009 याद होगा आपको इंडिया श्रीलंका का जो टेस्ट मैच था वो कैंसिल हो गया था क्योंकि श्रीलंका ने मना कर दिया था कि पिच खराब है और हम नहीं खेलेंगे यहाँ पर. और उससे एक दिन पहले आई हैव हैड द ऑपरचुनिटी टू मीट द गॉड. यस, आई मेट सचिन तेंदुलकर उससे एक रात पहले, हालांकि मैच वो नहीं खेले थे. और ताज होटल में वो रुके हुए थे, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी, हम लोग उनसे मिलने के लिए गए, 3-4 लोग थे. और देखा तो वो अपना रूम के बाहर खड़े हुए थे और फोटोग्राफ्स अपने फैंस के साथ खिंचवा रहे थे. मैं दूर खड़ी हुई थी और मैंने देखा कि एक क्रिकेटर जो कि पूरा टाइम फील्ड पे रहते हैं ये लोग, उनका फेस इतना ग्लो कैसे कर रहा है. ये तो टैन हो जाते हैं, सनबर्न हो जाता है धूप से, स्किन काफ़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन सचिन तेंदुलकर के फेस पर नूर था. एंड दैट वॉज वन मोमेंट, आई थिंक मेरे लिए नहीं किसी के लिए भी, कोई भी उन्हें देखेगा तो वो स्टारस्ट्रक हो जाएगा. उनसे काफ़ी सारे सवाल हमने किए एंड नॉर्मल क्वेश्चंस, आप कितने बजे सोते हैं, आप कितने बजे उठते हैं, मैच से पहले क्या खाते हैं. प्लस उनके साथ जितनी फोटोज़ हम सब ने खिंचवाई, उनके साथ एक बंदा जाके खड़ा हो जाता था और फिर सामने जो मेरी फ्रेंड थी 10-15 फोटोज शी वॉज क्लिकिंग, सो ही वॉज क्वाइटली स्टैंडिंग. और उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि भाई कितनी फोटोज़ खींच रहे हो, बस करो. आराम से उन्होंने सबके साथ फोटोज़ खिंचवाई, 10-10, 15-15 फोटोज़ हमने उनके साथ खींची. और जो बेस्ट फोटोज़ थी वो हमने फेसबुक पे ऑफकोर्स पोस्ट करी. वही मौका था जब मैं सचिन तेंदुलकर से मिली थी पहली बार एंड आई होप कि दोबारा वो मौका मुझे ज़रूर मिले. ही इज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट. और एक मैं आपको सीक्रेट भी बताती हूँ अपना, कि जब उन्होंने रिटायरमेंट ली और जब वो स्पीच दे रहे थे तो पूरा देश रो रहा था, लेकिन मैं वो उनका स्पीच मैंने रिकॉर्ड किया था, मैं तब तो रो ही रही थी, लेकिन उसके बाद जब भी मन करता था मैं वो स्पीच बार बार सुनती थी और रोती थी. और अभी भी मैं कभी कभार यूट्यूब पे जाके उनकी वो स्पीच लगा लेती हूँ और देख लेती हूँ और थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ. सो दैट वॉज वन मोमेंट जो कि हमेशा के लिए इट्स एच्ड इन माई मेमोरी एंड आई फील वेरी वेरी लकी टू हैव मेट हिम.